बिग बॉस में अभी जितनी भी लड़कियां हैं, अगर आप नोटिस करेंगे तो सब अब्दू के आजू बाजू ही है, इर्द गिर्द है. एमसी स्टैन जो अल्ताफ है आई गेस, बिकॉज वो क्या है, हर जगह पे सिर्फ बैठे रहते हैं. एक्चुअली जिस निमृत को मैं जानती हूँ सेट पे, शी यूज टू बी समवन हु यूज टू बी लाइक अपने काम से काम रखती थी, शॉट पे आती थी, शॉट दे के चली जाती थी, अपने रूम में ही रहती थी पूरा टाइम. आई फील साजिद खान जो है, आई फील जो बार बार कैमरा के सामने आके बात करना कि ये है वो है वगैरह सब कुछ, आई गेस ही इज ट्राइंग टू हार्ड टू बी शोन. पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग आई कि शायद निमृत ने बहुत बिग बॉस देखा है पहले. फेवरेट मेरा अब्दू है, बहुत प्यारा लगता है मुझे, मतलब एवरी टाइम आई सी हिम आई फील लाइक मैं जाके उसको एक टाइट हग दे दूँ. भैया बहुत प्यारा है, बहुत ज़्यादा प्यारा है वो. ओके, साथ ही में बिग बॉस टीम के अंदर निमृत और अब्दू बारिया भी है जो आपकी पोस्टर रह चुकी है, सो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, उनका आपको गेम है टास्क कैसा कुछ लगता है? एक्चुअली जिस निमृत को मैं जानती हूँ सेट पे, शी यूज टू बी समवन हु यूज टू बी लाइक अपने काम से काम रखती थी, शॉट पे आती थी, शॉट दे के चली जाती थी, अपने रूम में ही रहती थी पूरा टाइम. इंटरेक्शन किसी के साथ इतना ज़्यादा नहीं था, चुपचाप रहती थी. आई वुड से शी वॉज लिटिल बिट ऑफ एन इंट्रोवर्ट, और इतना कुछ आउट गोइंग पर्सनैलिटी नहीं था. बट जो मैं बिग बॉस में देख रही हूँ, आई मीन कैप्टन तो है, ठीक है आप कैप्टन हो, बट शी इज़ बीइंग सो बॉसी विद एवरीवन, सबको नहीं, मैं बोल रही हूँ ना तो यही होगा. जैसे अर्चना के साथ भी जो उनका था कॉन्वर्सेशन की नहीं, मैं जो बता रही हूँ तुम किचन की ड्यूटीज नहीं करोगी, ये नहीं करोगी, मैं बता रही हूँ वो सब. सो आई फील आई वॉज लाइक इस निमृत को तो मैं जानती ही नहीं हूँ, ये कौन सी निमृत है, इतनी बॉसी, इतनी मैं जो बोल रही हूँ वही होगा. आई मीन या आई अंडरस्टैंड आप कैप्टन होगा सब कुछ है, पर इतनी बॉसी. देन आई वॉज ट्राइंग टू फिगर आउट कि मतलब जो बिग बॉस में जो निमृत है वो रियल है या फिर जो सेट पे थी वो रियल है. मतलब आई एम कन्फ्यूज नाउ अभी कौन सी निमृत रियल निमृत है, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट. पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग आई कि शायद निमृत ने बहुत बिग बॉस देखा है पहले, एंड शी इज़ ट्राइंग टू बी द नेक्स्ट रूबीना, कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनूंगी शो पर वगैरह ये वो. आई मीन शी माइट बी अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, बट इफ़ यू आर बीन सो स्ट्रॉन्ग तो फिर आपके सिर पर जब बेकार लिखा गया था तब आप फटाक से इतने वीक कैसे हो गए, आपने फटाक से आपके आंखों में आंसू, आप एकदम भाग के चले गए वॉशरूम में, ये वो. सो इफ़ यू आर दैट स्ट्रॉन्ग वे यू आर लाइक कि मैं जो बोलूँगी वही होगा, तो आपके अगर माथे पर कोई बेकार लिख रहा है तो आपको ऐसे होना चाहिए कि हाँ ठीक है लिख दे, मेरे को पता है ना मैं कौन हूँ. दैट शुड हैव बीन द एटीट्यूड इज व्हाट आई फील, बट नो, एज सून एज समथिंग वॉज रिटन ऑन अ फोरहेड शी वॉज लाइक कि क्राइंग एंड ऑल, नहीं आई विल बी फाइन, वो वॉशरूम में भाग जाना. सो बट फिर ऐसा है ना कि मतलब कैमरा के सामने आप कितना दिन प्रटेंड करोगे, आई गेस एक वीक, दो वीक, एक महीना, आफ्टर वाइल क्या है कौन रियल है कौन नहीं है वो तो दिख के आ ही जाएगा. वो क्यूट तो लगता है, बट आई फील बिग बॉस में अभी जितनी भी लड़कियां हैं, अगर आप नोटिस करेंगे तो सब अब्दू के आजू बाजू ही है, इर्द गिर्द है, बिकॉज सब ने ये चीज़ नोटिस किया है कि अब्दू लोगों को बहुत क्यूट लगेगा, लोगों को बहुत प्यारा लगेगा, बिकॉज ही इज़ अ जेन्युइन गाय, जो है वो है. जैसे वो कन्फेशन रूम में चला गया, लाइक जाती सॉरी 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 बिग बॉस सॉरी, उसको पता भी नहीं था कि क्यों सॉरी बोल रहा है क्यों नहीं, बट एवी जाके सॉरी, दैट वाज सो क्यूट. बट आई फील सब जो लड़कियां हैं उसका वो फ़ायदा उठाने की कोशिश पक्का करेंगी, जो अगर स्मार्ट है तो वो पक्का फ़ायदा उठाएंगी कि हाँ मैं इसके आजू बाजू में रहती हूँ ताकि मतलब थोड़ा कुछ फुटेज मुझे भी मिल जाए. तो इज दैट्स व्हाट गर्ल्स आर ट्राइंग टू डू इज़ व्हाट आई फील. आई फील साजिद खान जो है, आई फील
जो बार बार कैमरा के सामने आके बात करना कि ये है वो है वगैरह सब कुछ, आई गेस ही इज ट्राइंग टू हार्ड टू बी शोन ऑन द स्क्रीन और ज़्यादा फुटेज लेने की कोशिश की जा रही है. अदर देन दैट अगेन आई फील निमृत इज़ बींग समवन एल्स, काफ़ी मेडअप लग रहा है जो भी वो कर रही है वो. बाकी सबकी पर्सनालिटी आई गेस अब तक इतनी बाहर आई नहीं है. बाकी जो लोग ज़्यादा बात कर रहे हैं उनमें आई गेस साजिद खान एंड निमृत आर द टू पीपल आई फील आर बीइंग सम अदर पर्सन ओनली ऑल टुगेदर. और एक आई वुड लाइक टू सपोर्ट टीना दत्ता बिकॉज टीवी सीरियल्स में आई फाइंड अ वेरी द प्रिटिस्ट. आई फाइंड द मतलब उनके ऊपर आप कुछ भी लुक ट्राई कर लो, कुछ भी जो भी आप कैरेक्टर दे दो, आई फील वो बहुत अच्छे से कर लेती है सब कुछ. आई फाइंड अ वेरी प्रिटी एंड वेरी नाइस, सो आई वुड लाइक टू सपोर्ट हर. आई फील टीना यू आर खुद से ही आप अकेले में यू आर वेरी मच कम्प्लीट. तो अब दू वगैरह किसी की आपको ज़रूरत नहीं है टू यू नो गेट फुटेज और टू बी सीन और समथिंग. आपको लोग ऐसी आप जैसी भी हो वैसे ही देखना पसंद करेंगे. सो प्ले एज अ वन मैन आर्मी, खुद का गेम खुद खेलो, किसी के साथ जुड़ के खेलने में कोई मतलब नहीं है. मतलब वो सिडनाज वगैरह वो सब तो हो गया, आई मीन दे माइट हैव दैट लाइक दे हैड देयर ओन लक एंड एवरीथिंग, बट अगर आप अकेले खेलोगे ना तो आई गेस उससे बेटर और कुछ नहीं है. एम सी स्टैन जो अल्ताफ है आई गेस बिकॉज वो क्या है हर जगह पर सिर्फ बैठे रहते हैं. ही इज़ ऑलवेज एवरीवेयर, ही इज़ जस्ट सिटिंग एंड डूइंग नथिंग. या फिर उनसे जाके कोई बात करेगा, कुछ क्वेश्चन पूछेगा, देन ही विल बी लाइक हाँ मैं ये हूँ, मैं ये करता हूँ, मेरा नाम ऐसा क्यों है वगैरह सब कुछ, देन ही विल गो एंड एक्सप्लेन. मतलब अलग से जाके खुद कुछ एक्टिविटी नहीं है, कुछ इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है. सो आई फील थोड़ा ढीला है. देखो बिग बॉस देखना तो सबको पसंद है, मुझे खुद को खाना खाते टाइम मतलब अगर लगा के रख दूँ ना मेरे को फुल एंटरटेनमेंट लगता है बिग बॉस. मतलब मी एज अ पर्सन आई वुड लाइक टू बी ऑन बिग बॉस सून, सो या. बट बिग बॉस में आई फील अगर इस साल जोड़ी जोड़ी ना ही बने तो बेटर है. सब लोग अपना गेम खेलो, सब लोग अकेले खेलो, आई गेस उसमें ज़्यादा मज़ा है बिकॉज सब लोग अपना अपना मसाला लेके आएंगे. सो वो देखने को भी बहुत ऐसा एक्साइटिंग एंटरटेनिंग, यार कल क्या होगा, किसका क्या झगड़ा होगा, क्या नहीं होगा, सब कुछ देखने में बहुत मज़ा आएगा. थैंक यू सो मच.